Good morning, students. In the last video of the topic bone and its types, we have taken formation of ionic bond and its properties. Today we will take covalent bond. लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था बेटा एक एटम दूसरे एटम के साथ कंबाइन क्यों करता है बिकॉज इट वांट्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट और डुप्लेट और ऑक्टेट और डुप्लेट कैसे कंप्लीट हो सकता है आइदर बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स ठीक है बॉन्ड जो लॉस और गेन से बनता है दैट इज आयनिक बॉन्ड उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं आज स्टार्ट करते हैं विद कोवलेंट बॉन्ड दैट इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है बेटा अ बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड क्लियर इसको हम समझेंगे हम बात करते हैं हाइड्रोजन की ठीक है हम बात करते हैं क्लोरीन की हम बात करते हैं ऑक्सीजन की हम बात करते हैं नाइट्रोजन की ठीक है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर वन होता है इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन इज आल्सो वन क्लोरीन का 17 होता है इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन इज 287 ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन इज 2.6 नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन इज 2.5 ठीक है अब आप यहां पर देख रहे हैं हाइड्रोजन नीड्स वन मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स डुप्लेट देयरफॉर इट विल शेयर वन इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम तो ये क्या करेगा बेटा दूसरे एटम के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा क्लोरीन को भी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए इट मींस इट विल आल्सो शेयर वन इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम ठीक है ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 2 ठीक है इट मींस इट विल शेयर 2 इलेक्ट्रॉन्स ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा या तो वो एक ही एटम के साथ दोनों इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता है या वो अलग अलग एटम्स के साथ भी 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर सकता है ठीक है अब हम बात करते हैं बेटा नाइट्रोजन की ठीक है नाइट्रोजन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है इट मींस इट विल शेयर 3 इलेक्ट्रॉन्स इट विल शेयर 3 इलेक्ट्रॉन्स तो वो 3 इलेक्ट्रॉन्स या तो एक सिंगल एटम के साथ शेयर कर सकता है या वो 3 अलग अलग एटम्स के साथ भी एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है क्लियर है और जो बॉन्ड बनेगा विद शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट विल बी नोन एज कोवलेंट बॉन्ड नाउ लेट अस टेक एग्जांपल्स ऑफ वेरियस कोवलेंट बॉन्ड्स एग्जांपल्स फर्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ H2 इट इज नोन एज डाइहाइड्रोजन H2 इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम्स हम क्या करते हैं सबसे पहले हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जो सिंबल लिखते हैं ठीक है इसी तरह सेकंड हाइड्रोजन एटम का भी क्या होगा दिस क्लियर अब आपको पता है हाइड्रोजन को अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन शेयर करना है ठीक है तो होगा क्या बेटा ईच हाइड्रोजन एटम विल कंट्रीब्यूट 1 इलेक्ट्रॉन हर एक हाइड्रोजन एटम जो है एक एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा ठीक है एंड दीज 2 कंट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रॉन्स बाय 2 हाइड्रोजन एटम्स विल बी शेयर्ड बाय बोथ द एटम्स ठीक है एक इलेक्ट्रॉन इसने कंट्रीब्यूट किया एक इलेक्ट्रॉन इसने कंट्रीब्यूट किया टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे बेटा 2 इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को इसमें भी गिना जाएगा इसमें भी गिना जाएगा द कंट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रॉन्स विल बी शेयर्ड बाय बोथ द एटम्स ठीक है तो इसका एक कंट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रॉन ये है दूसरे हाइड्रोजन का कंट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रॉन क्या है दिस ठीक है दिस इलेक्ट्रॉन पेयर विल बी शेयर्ड बाय दिस हाइड्रोजन दिस इलेक्ट्रॉन पेयर विल बी शेयर्ड बाय दिस हाइड्रोजन क्लियर है
अब इसका भी डुप्लेट कंप्लीट हो गया, इसको हम सर्कल कर देंगे, ठीक है। इस हाइड्रोजन को भी डुप्लेट कंप्लीट है, ठीक है, इसको भी हमने क्या कर देना है बेटा, सर्कल, ठीक है। इसको हम बोलते हैं बेटा लुईस स्ट्रक्चर, लुईस स्ट्रक्चर ऑफ H2, ठीक है। या हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं बेटा, दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दो हाइड्रोजन के बीच में, दो इलेक्ट्रॉन से एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनता है, एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनता है, जिसको हम सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सिंगल लाइन रिप्रेजेंट्स वन कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, और एक कोवलेंट बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज नोन एज हुपर स्ट्रक्चर, बिकॉज दिस वॉज फर्स्ट गिवन बाय द साइंटिस्ट कूपर। क्लियर है, इसको बोला जाएगा बेटा लेवी स्ट्रक्चर ऑफ H2 और इसको बोलोगे कूपर स्ट्रक्चर ऑफ H2, ठीक है। ये सिंगल लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है बेटा, वन कोवलेंट बॉन्ड। क्लियर है, अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये वाले, ठीक है, ये इसमें भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसमें भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दीज आर नोन एज बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इन इलेक्ट्रॉन से दो हाइड्रोजन एटम के बीच में बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, वो आपस में कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है, इनको बोलोगे बेटा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है, या आप इसको शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हो, दिस इज वन शेयर पेयर, ठीक है, या इसको आप कहोगे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब इन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से दोनों हाइड्रोजन लिंक कैसे होते हैं वो देखते हैं, ठीक है। ये है हाइड्रोजन एटम नंबर वन, ये है इसका न्यूक्लियस, ठीक है। इसी तरह दूसरा हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, इन दोनों ने क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया है, ठीक है, दोनों ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, क्लियर। दिस इज हाइड्रोजन एटम, ठीक है, ये है इसका न्यूक्लियस। अब ये जो शेयर्ड पेयर है वो इस न्यूक्लियस के साथ भी अट्रैक्ट होगा, ठीक है, और ये शेयर्ड पेयर जो है इस न्यूक्लियस के साथ भी अट्रैक्ट होगा, ठीक है। रिजल्ट क्या निकलेगा कि ये दोनों हाइड्रोजन एटम्स जो हैं आपस में लिंक्ड रहेंगे, ठीक है। ये बेटा सेम उसी तरह है जैसे आप मान के चलते हैं कि दिस इज वन डॉग, ये डॉग है, ठीक है, एंड दिस इज सेकेंड डॉग, ठीक है। इनके माउथ में एक बोन का पीस है, ठीक है, एक साइड से इस डॉग ने पकड़ रखा है, ठीक है, और एक साइड से सेकेंड डॉग के माउथ में है। तो होगा क्या, थ्रू दिस पीस ऑफ बोन द टू डॉग्स विल बी कनेक्टेड टूगेदर, आपस में कनेक्टेड रहेंगे। सेम यहां पर है, विद रिस्पेक्ट टू दिस सिंगल बोन्ड द हाइड्रोजन एटम्स आर कंबाइंड विद ईच अदर, ठीक है, दैट इज वाई दे फॉर्म H2। H2 इज ए मॉलिक्यूल वेयर एज सिंगल हाइड्रोजन्स आर एटम्स। क्लियर है बेटा, अब अदर एग्जांपल्स पढ़ते हैं बेटा। अगर दो एटम्स के बीच में बेटा एक ही बॉन्ड है उसको बोला जाता है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। अभी हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे डबल कोवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड के, ठीक है। डबल कोवलेंट बॉन्ड में क्या होगा, दो एटम्स के बीच में जो है दो बॉन्ड होंगे, ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा, दो एटम्स के बीच में तीन बॉन्ड होंगे। दिस इज ट्रिपल बॉन्ड, दिस इज डबल बॉन्ड, दो एटम्स के बीच में तीन से ज्यादा बॉन्ड नहीं होते। क्लियर है, सेकंड पढ़ते हैं बेटा। फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन रोड सिंबल क्या बेटा, 1, 2, 3, 4, 5, बिकॉज इट्स इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन इज 2.5। सेकंड नाइट्रोजन एटम इज सेम इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन 2.5। बोथ द नाइट्रोजन एटम्स नीड 3 मोर इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, दैट इज वाई दे विल शेयर 3 इलेक्ट्रॉन्स विद ईच अदर। तो हमने क्या करना है बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन्स को इस नाइट्रोजन के आगे रखना है, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन्स को इस नाइट्रोजन के आगे रखना है। दिस इलेक्ट्रॉन्स आर कंट्रीब्यूट बाय लेफ्ट हैंड नाइट्रोजन एंड दिस इलेक्ट्रॉन्स आर कंट्रीब्यूटेड बाय राइट हैंड नाइट्रोजन।
क्लियर है। अब नाइट्रोजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, 5, उसमें से 3 यूज हो गए, बचे कितने, 2, वो यहाँ पर मेंशन करने हैं, ये यहाँ पर मेंशन करने हैं, ठीक है। अब ये जो बेटा बीच में 6 इलेक्ट्रॉन्स हमने लगाए हैं, ठीक है, दीज आर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये 6 इलेक्ट्रॉन्स इसमें भी काउंट होंगे और इसमें भी काउंट होंगे, ठीक है। अब नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन इसके अपने थे, 3 इसके साथ शेयर कर लिए, ठीक है। इसी तरह इस नाइट्रोजन के पास भी 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, 3 इसने लेफ्ट हैंड नाइट्रोजन के साथ शेयर कर लिए, ठीक है। तो जिनका ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट होता है उनको हम सर्कल कर देते हैं, जैसे हमने यहां पर किया है। दिस इज लेविस स्ट्रक्चर ऑफ N2। ये तो बेटा क्या हो गया, लेविस स्ट्रक्चर। अब हमने बनाना है बेटा इसका कूपर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो कूपर स्ट्रक्चर हम कैसे बनाते हैं, दो एटम्स के बीच में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो सिंगल लाइन आएगी, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो डबल लाइन, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ट्रिपल लाइन, ठीक है। तो 2 नाइट्रोजन के बीच में आपने 3 लाइन्स लगानी है, ठीक है। दीज 3 लाइन्स रिप्रेजेंट ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन 2 नाइट्रोजन एटम्स, ठीक है। दिस इज कूपर स्ट्रक्चर, क्लियर है। और ये क्या है बेटा, दिस इज ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अब यहां पर ये देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स जिनको दोनों नाइट्रोजन एटम ने शेयर किया है, दीज आर नोन एज बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन 2 नाइट्रोजन एटम्स, ठीक है। ये होंगे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, जिनको आप क्या बोलोगे, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आपको पता ही है एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यहां पर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स तो 6 हैं, मगर शेयर्ड पेयर कितने हैं, ओनली 3, ठीक है। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को देखो, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, इन इलेक्ट्रॉन्स ने बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो इसलिए हम इनको बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स तो कह ही सकते, ठीक है। अब इन्होंने बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं किया, दैट इज व्हाई दे शुड बी नोन एज नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। इनको क्या बोला जाएगा बेटा, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, या अनशेयर्ड पेयर, या अनशेयर्ड पेयर बोल सकते हो, ठीक है। या एक नाम और है, लोन पेयर, LONE, लोन पेयर, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाएगा बेटा, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। The electrons which does not take part in bond formation are known as non-bonding electrons, whereas electrons which participate in bond formation are known as bonding electrons. ये होंगे non-bonding electrons, ठीक है, या आप इनको unshared pair कह सकते हो, या आप इनको lone pair कह सकते हो, ठीक है। Same ये है, this is also another unshared pair or lone pair or non-bonding electrons. क्लियर है बेटा, दिस इज ऑल अबाउट फॉर्मेशन ऑफ N2 बाय ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, क्लियर। थर्ड एग्जांपल लेते हैं बेटा, फॉर्मेशन ऑफ O2 नोन एज डाइऑक्सीजन। डाइऑक्सीजन इज अ मॉलिक्यूल कंटेनिंग 2 ऑक्सीजन एटम्स। ऑक्सीजन का बेटा इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल क्या है, दिस, ठीक है। इसके आउटर मोस्ट शेल में क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो हमने 6 डॉट्स लगाने हैं, ठीक है। अब आप यहां पर देख रहे हैं कि ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2, ठीक है। तो ये वाला ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा, ठीक है। इसी तरह ये वाला ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा, क्लियर है। तो हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड वाले ऑक्सीजन के साथ आगे 2 इलेक्ट्रॉन रखोगे, बिकॉज इट इज कंट्रीब्यूटिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड इट विल शेयर 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेकेंड ऑक्सीजन, ठीक है। इसी तरह दूसरा ऑक्सीजन भी 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने आगे रखेगा, ठीक है। दीज आर कंट्रीब्यूटिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसमें भी गिने जाएंगे और इसमें भी गिने जाएंगे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, देखो बेटा, अब इस ऑक्सीजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स थे 6, 2 उसने कंट्रीब्यूट कर दिए, बचे कितने, 4, 1, 2, 3, 4। इसी तरह इस ऑक्सीजन के पास है 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसने कंट्रीब्यूट कर दिए, ठीक है, बचे कितने इलेक्ट्रॉन्स, 4। अब इसका ऑक्टेट देखो कंप्लीट है, 4+4, 8, 4+4, 8, क्योंकि ये जो बीच में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दोनों ऑक्सीजन में गिने जाते हैं। इसका ऑक्टेट कंप्लीट है,
किसका भी ऑक्टेट क्या है कंप्लीट, दिस इज लेवी स्ट्रक्चर ऑफ O2, क्लियर है। ये जो बीच में फोर इलेक्ट्रॉन्स हैं, दिस विल बी शेयर्ड बाय बोथ द ऑक्सीजन एटम्स, क्लियर है। तो इसका ऊपर स्ट्रक्चर क्या होगा बेटा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है, फोर इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हैं, फोर इलेक्ट्रॉन्स एज ए लोन पेयर दूसरे ऑक्सीजन के पास हैं, क्लियर है, क्योंकि तो बीच में फोर इलेक्ट्रॉन्स हैं, फोर इलेक्ट्रॉन्स से कितने बॉन्ड बनते हैं बेटा, टू बॉन्ड्स, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है बेटा, डबल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, क्या बोलोगे बेटा, डबल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। ये क्या है बेटा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, क्या है बेटा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, और ये क्या है बेटा, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जिनको आप लोन पेयर या अनशेयर्ड पेयर भी कहते हो, क्लियर है। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ O2, फोर्थ एग्जाम्पल इज फॉर्मेशन ऑफ HCl, ठीक है। अब इसी तरह बेटा हम वेरियस एग्जाम्पल्स लेंगे, ठीक है, उनके हम कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रक्चर्स बनाते चले जाएंगे, ठीक है। इसमें कंबाइनिंग एटम्स कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, इसके पास वन डॉट लगाओगे, यहाँ पर लगाओगे सेवन डॉट, इट नीड्स वन मोर इलेक्ट्रॉन, इट ऑल्सो नीड्स वन मोर इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर बोथ द एटम्स विल शेयर वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दिस इलेक्ट्रॉन इज कंट्रीब्यूट बाय दिस हाइड्रोजन एंड दिस इलेक्ट्रॉन इज कंट्रीब्यूट बाय दिस हाइड्रो दिस क्लोरीन, ठीक है। इसके पास इलेक्ट्रॉन बचे बेटा सिक्स, ठीक है, इसका डुप्लेट कंप्लीट हो चुका है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, क्लियर। तो कूपर स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन, ठीक है, और यहां पर आप सिक्स इलेक्ट्रॉन मेंशन कर दो, ठीक है। फिफ्थ इज फॉर्मेशन ऑफ NH3, क्लियर है। अब इसमें टोटल एटम्स कितने हैं बेटा, फोर। अगर टोटल एटम्स जो हैं टू से ज्यादा होते हैं, ठीक है, थ्री फोर फाइव ये ज्यादा होते हैं, आपने एक एटम को सेंट्रल एटम मानना है और रिमेनिंग एटम्स को सराउंडिंग एटम्स मानना है। जनरली क्या होता है, हाइड्रोजन और फ्लोरीन को हमेशा सराउंडिंग एटम ट्रीट किया जाता है, ठीक है। जैसे इस केस में हम ये है नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, नाइट्रोजन को हमने क्या मानना है सेंट्रल एटम और ये क्या है सराउंडिंग एटम्स, ठीक है। इस केस में बेटा क्या है, ये तीनों हाइड्रोजन एटम्स जो हैं सेंट्रल एटम के साथ लिंक हैं, ये आपस में लिंक नहीं है, ये आपस में डायरेक्ट बॉन्ड नहीं बना रहे, दे आर ऑल रिलेटेड, दे आर ऑल बॉन्डेड टू नाइट्रोजन, क्लियर है। ये है NH3 का स्केल्टन स्ट्रक्चर, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, स्केल्टन स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन के ऊपर वन डॉट है, नाइट्रोजन के ऊपर फाइव डॉट्स हैं, ठीक है, दिस इज स्केल्टन स्ट्रक्चर, क्लियर है। अब हमने क्या करना है, इनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करनी है, इट नीड्स वन मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स डुप्लेट, इट ऑल्सो नीड्स वन मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स डुप्लेट, इट नीड्स वन मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट डुप्लेट, इट नीड्स थ्री मोर इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स डुप्लेट, इट विल शेयर वन इलेक्ट्रॉन, इट विल शेयर वन इलेक्ट्रॉन, इट विल शेयर वन इलेक्ट्रॉन, बट नाइट्रोजन विल शेयर थ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो नाइट्रोजन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका शेयर करेगा, इसका भी काम हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका शेयर करेगा, इसका भी काम हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका शेयर करेगा, इसका भी काम हो जाएगा, तो यू विल गेट दिस, क्लियर है। दो एटम्स के बीच में जो मैंने दो इलेक्ट्रॉन्स लगाए हैं, एक तो हाइड्रोजन का है, एक नाइट्रोजन का है, सेम यहां पर है, सेम यहां पर है, ठीक है। नाइट्रोजन ने तीन इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, बचे कितने, टू, दीज आर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब जिन जिनके ऑक्टेट कंप्लीट है उनको सर्कल कर सकते हैं, ठीक है, डुप्लेट कंप्लीट, डुप्लेट कंप्लीट, डुप्लेट कंप्लीट, और इसका ऑक्टेट कंप्लीट है 2, 4, 6, 8, क्लियर। दिस इज लेवी स्ट्रक्चर ऑफ NH3, और इसका कूपर स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, लाइक दिस। दो एटम्स के बीच में जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हमने कंबाइन करके बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, और नाइट्रोजन के पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी हैं टू, ठीक है, तो दिस इज द कूपर स्ट्रक्चर ऑफ NH3, क्लियर है बेटा। इसी तरह बेटा आपको
इलेक्ट्रॉन रोड स्ट्रक्चर एंड सुपर स्ट्रक्चर बनाना है CH4 का, जिसको आप क्या बोलते हैं मीथेन, और NH3 को क्या बोलते थे अमोनिया, ठीक है। इसमें सेंट्रल एटम क्या है हाइड्रोजन, सॉरी नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ CH4 दैट इज नोन एज मीथेन। इसमें बेटा सेंट्रल एटम कौन है कार्बन, और सराउंडिंग एटम्स कौन है हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल सर मेरी हम ये बना देंगे, ठीक है। दिस इज स्केलेटन स्ट्रक्चर ऑफ CH4, ठीक है। इसमें हमने क्या किया सेंट्रल एटम को कार्बन माना, ठीक है, और हाइड्रोजन तो हमेशा आप टर्मिनल एटम्स मानते ही हो, ठीक है। इन सब के इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल्स हमने यहां पर मेंशन कर दिए, ठीक है। अब कार्बन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए फोर इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इट विल शेयर फोर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। हर एक हाइड्रोजन को अपना डुप्लीकेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इट मींस ईच हाइड्रोजन विल शेयर वन इलेक्ट्रॉन। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, कार्बन एक इलेक्ट्रॉन उसका शेयर करेगा, एक इसके साथ, एक इसके साथ और एक इसके साथ, तो इसमें कार्बन का भी काम होगा और हाइड्रोजन का भी काम हो जाएगा, ठीक है। नीड्स ऑफ बोथ द एटम्स विल बी फुलफिल्ड लाइक दिस, कार्बन एंड ईच हाइड्रोजन, ठीक है। इसका डुप्लेट कंप्लीट सर्कल, डुप्लेट कंप्लीट, डुप्लेट कंप्लीट, डुप्लेट कंप्लीट, और इसका ऑक्टेट कंप्लीट, ठीक है, क्लियर। एंड ऊपर स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस, क्लियर है। इस केस में बेटा किसी भी एटम के पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स नहीं बचे हैं। सेवंथ इज फॉर्मेशन ऑफ AlCl3, ठीक है। तो इसमें एल्यूमिनियम को आपने क्या मानना है बेटा सेंट्रल एटम, क्लोरीन को क्या मानना है सराउंडिंग एटम, ठीक है। देखो होता क्या है, हम उस एटम को सेंट्रल एटम मानते हैं जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होती है। अब आप कहेंगे सर हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो पता ही नहीं, तो बेटा हम ये एग्जांपल्स करने के बाद, ठीक है, आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है वो एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अभी आप सिर्फ ये यहाँ पर मान के चलो सेंट्रल एटम उसको मानना है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है, ठीक है। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो होती है एल्यूमिनियम से ज्यादा होती है, क्लोरीन को मानना है सराउंडिंग एटम, एल्यूमिनियम को क्या मानना है सेंट्रल एटम, ठीक है। ये एल्यूमिनियम, ठीक है, दिस इज वन क्लोरीन, सेकंड क्लोरीन, थर्ड क्लोरीन, ठीक है। इसके पास आप थ्री डॉट्स लगाओगे, हियर यू विल मेंशन सेवन डॉट्स, हियर यू विल मेंशन अगेन सेवन डॉट्स, हियर यू विल अगेन मेंशन सेवन डॉट्स, ठीक है। एल्यूमिनियम यहां पर तीन इलेक्ट्रॉन्स रखता है अपने पास, ठीक है। अब इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए फाइव इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। क्लोरीन को चाहिए एक इलेक्ट्रॉन, इस क्लोरीन को भी चाहिए एक इलेक्ट्रॉन, इस क्लोरीन को भी चाहिए एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मगर एल्यूमिनियम को चाहिए फाइव इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखो ये पॉसिबल हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये चेक करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, हर एक क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, ठीक है, बाय शेयरिंग वन इलेक्ट्रॉन विद एल्यूमिनियम, ठीक है। तो इसमें क्या होगा बेटा, ये वाला क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन से शेयर करेगा, ठीक है, ये वाला क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन इस एल्यूमिनियम का शेयर करेगा, ठीक है, और ये वाला क्लोरीन भी एक इलेक्ट्रॉन इस एल्यूमिनियम शेयर करेगा। अब एल्यूमिनियम ने अपने फाइव में से, सॉरी थ्री में से, तीनों तीन में से तीन इलेक्ट्रॉन्स तो कंट्रीब्यूट कर दिए, ठीक है। एल्यूमिनियम के पास अपना कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, ठीक है। इससे हुआ क्या, इस क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, इस क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, इस क्लोरीन का ऑक्टेट क्या हो चुका है कंप्लीट, ठीक है। बट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम एल्यूमिनियम इज नॉट कंप्लीटेड, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर अगर एल्यूमिनियम का ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं हो रहा है यहां पर, तो एल्यूमिनियम को तो क्लोरीन के साथ कंबाइन करना ही नहीं चाहिए, बिकॉज एल्यूमिनियम इज नॉट फॉलोइंग द ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल का मतलब क्या है कि एटम्स दूसरे एटम से कंबाइन क्यों करते हैं, बिकॉज दे वांट्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, ठीक है। अगर हाइड्रोजन हीलियम लिथियम की बात करें तो वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करते, डुप्लेट कंप्लीट करते हैं, ठीक है। इस केस में बेटा एल्यूमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा,
बट स्टिल दिस मॉलिक्यूल AlCl3 इज स्टेबल, मगर फिर भी ये मॉलिक्यूल क्या होता है, स्टेबल होता है. ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल. ठीक है, इसमें सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, फिर भी ये क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाता है. ठीक है, और ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सेंट्रल एटम के पास लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, या मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो है ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करते. ठीक है, और इस केस में क्योंकि एल्यूमिनियम के पास लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको बोला जाता है बेटा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल. इट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल. इसका सुपर स्ट्रक्चर कैसा बनेगा बेटा, लाइक दिस AlCl3. इसमें सेंट्रल एटम एल्यूमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है. ठीक है, इसके पास लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए इसको बोला इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. डेफिशिएंट मींस जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है. क्लियर है बेटा? एट इज फॉर्मेशन ऑफ बेरिलियम क्लोराइड. ये आप अपने आप करेंगे. आई होप आपने ट्राई किया होगा. इसमें सेंट्रल एटम होगा बेरिलियम, सराउंडिंग एटम्स होंगे 2 क्लोरीन एटम्स, इनके इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल बनाते हैं. ठीक है, अब बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम 4. तो इसके ऊपर आप दो डॉट्स लगाओगे क्योंकि इसकी कंडीशन होती है 2.2. ठीक है, अब क्लोरीन को तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए. ठीक है, इस क्लोरीन को भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए. इट मींस दिस क्लोरीन विल शेयर वन इलेक्ट्रॉन विद दिस बेरिलियम, दिस क्लोरीन विल आल्सो शेयर वन इलेक्ट्रॉन विद दिस बेरिलियम. अब बेरिलियम को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6 हैं. ठीक है, मगर वो 6 इलेक्ट्रॉन उसको मिल नहीं पाएंगे. क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन इसका शेयर कर लिया, दूसरे क्लोरीन ने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया. ठीक है, तो इसमें क्लोरीन की तो नीड फुलफिल होगी, ऑक्टेट कंप्लीट है, इस क्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, मगर सेंट्रल एटम बेरिलियम को देखो. ठीक है, इसके अराउंड ओनली 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है. इट मींस इट इज आल्सो एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल, इट इज नॉट फॉलोइंग द ऑक्टेट रूल. क्लियर? इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर होगा बेटा, दिस BeCl2, तो इट इज आल्सो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल. ठीक है, नाइन्थ है बेटा फॉर्मेशन ऑफ PCl5. ठीक है, इसमें सेंट्रल एटम है फॉस्फोरस, क्योंकि फॉस्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है एज कंपेयर टू क्लोरीन एटम्स. ठीक है, और क्लोरीन एटम्स क्या बनेंगे बेटा, टर्मिनल एटम्स. ठीक है, क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आप 7 डॉट्स लगाओगे लाइक दिस. ठीक है, फॉस्फोरस के पास अपने आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, 5, 1, 2, 3, 4. ठीक है, 5. क्लियर है, क्योंकि फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 15. इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्शन इज 2, 8, 5. ठीक है, अब फॉस्फोरस क्या करेगा, उसको अपने क्या करना है, ऑक्टेट कंप्लीट करना है. ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए. ठीक है, और इसके अराउंड 5 क्लोरीन एटम्स लग रहे हैं, सभी को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए. तो ये वाला क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा. ठीक है, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी और ये वाला भी, तो सभी क्लोरीन एटम्स तो अपने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे विद सेंट्रल एटम फॉस्फोरस. तो फॉस्फोरस के पास तो अपना कोई इलेक्ट्रॉन बचेगा ही नहीं. ठीक है, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन्स तो वो कंट्रीब्यूट कर देगा ना इन द फॉर्मेशन ऑफ 5 कोवलेंट बॉन्ड्स विद 5 क्लोरीन एटम्स. ठीक है, देखो पिक्चर कैसी बनती है. ये फॉस्फोरस है, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन साथ, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन साथ,
एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन साथ, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के साथ, ठीक है। क्लोरीन के पास अपने बच्चे 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसका ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट, ठीक है। मगर फॉस्फोरस के अराउंड इलेक्ट्रॉन देखो कितने होंगे, 2, 4, 6, 8, 10। फॉस्फोरस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 10। इट मींस इट हैज मोर देन रिक्वायर्ड 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इस मॉलिक्यूल को तो बनना ही नहीं चाहिए अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, बट स्टिल दिस मॉलिक्यूल इज स्टेबल एंड एग्जिस्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें सेंट्रल एटम के अराउंड लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं या मोर देन इलेक्ट्रॉन्स हैं, चाहे उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, फिर भी दीज मॉलिक्यूल्स आर स्टेबल एंड दे स्टिल एग्जिस्ट, ठीक है। तो इसका ऊपर स्ट्रक्चर कैसा बनेगा बेटा, लाइक दिस, क्लियर है बेटा। इसको आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल, क्लियर। दिस इज इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल, इट इज आल्सो नॉट ओबेइंग द ऑक्टेट रूल। इन दिस मॉलिक्यूल सेंट्रल एटम हैज मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स, formation of C2H2, it is known as ethyne or acetylene। इस केस में बेटा सेंट्रल एटम 2 होंगे, ठीक है। और हाइड्रोजन को तो आपको पता है हमेशा टर्मिनल एटम माना जाता है, ठीक है। कार्बन को हम क्या मानेंगे, सेंट्रल एटम, ठीक है। द टू कार्बन एटम्स विल एक्ट एज सेंट्रल एटम्स, ठीक है। दोनों के पास एक एक हाइड्रोजन होगा, एक इसके पास होगा, एक इसके पास होगा, ठीक है। आपने ऐसा नहीं करना कि दोनों हाइड्रोजन एक एटम को दे, एक कार्बन एटम को दे दो और दूसरे के पास कोई हाइड्रोजन एटम ना हो, ठीक है। आपने क्या करना है, दोनों कार्बन एटम्स को इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रोवाइड करने हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर वन डॉट लगाओगे, इट विल हैव 4 डॉट्स, इट विल हैव अगेन 4 डॉट्स, इट विल हैव 1 डॉट, ठीक है। दिस इज द स्केलेटन स्ट्रक्चर ऑफ C2H2, ये है बेटा स्केलेटन स्ट्रक्चर, क्लियर है। अब हमने क्या करना है बेटा, इन सबकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट करनी है। इसको अपना डुप्लीकेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट करने के लिए, इसको भी 4 चाहिए, इसको 1 चाहिए, ठीक है। तो ये वाला हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन सचिव कर लेगा, ठीक है। ये वाला हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन सचिव कर लेगा, ठीक है। मगर फिर भी कार्बन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 मोर इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे, ये आपस में 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे, ठीक है। देखो कैसे, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन शेयर किया, इसी तरह सेकंड कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन किस हाइड्रोजन शेयर किया, ठीक है। अब क्या होगा बेटा, दोनों कार्बन के पास 3-3 इलेक्ट्रॉन बचे, ठीक है। तो ये 3-3 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर लेंगे, क्लियर है। इसका डुप्लेट कंप्लीट, इसका डुप्लेट कंप्लीट, ठीक है। इसका ऑक्टेट कंप्लीट, सिमिलरली इसका भी ऑक्टेट क्या होगा, कंप्लीट, ठीक है। तो ऊपर स्ट्रक्चर कैसा बनेगा बेटा, दोनों कार्बन एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6, ठीक है। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर भी क्या आएगा, सिंगल बॉन्ड, क्लियर है। दिस इज द कूपर स्ट्रक्चर ऑफ C2H2, दिस इज लेविस स्ट्रक्चर ऑफ C2H2, C2H2 इज नोन एज इथाइन गैस और एसिटाइलिन गैस, क्लियर है बेटा। 11th इज फॉर्मेशन ऑफ C2H4, ठीक है। इट इज नोन एज इथीन गैस और इथाइलिन गैस, इथीन और इथाइलिन, ठीक है। इसका बेटा पहले हम स्केलेटन स्ट्रक्चर बनाते हैं, दोनों कार्बन एटम्स को सेंट्रल एटम ट्रीट करोगे, ठीक है। वी आर लेफ्ट विद 4 हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। 2 हाइड्रोजन एटम्स आपने इसको देने हैं और 2 हाइड्रोजन एटम्स को आपने इसको देने हैं, ठीक है।
आप ऐसा कर सकते हैं इस हाइड्रोजन को ऊपर लिख लो, इस हाइड्रोजन को ऊपर लिख लो, देयर इज नो एनी इश्यू, ठीक है, हम ऊपर लिख लेते हैं, प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्लियर। अब इनके इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल्स लिखते हैं, क्लियर। अब इस हाइड्रोजन को डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी एक चाहिए, इसको भी एक चाहिए, इसको भी एक चाहिए, ठीक है, इसको चाहिए फोर, इसको चाहिए फोर, ठीक है। तो ये कार्बन क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन्स को इन हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेगा, ठीक है, ये वाला कार्बन भी दो इलेक्ट्रॉन्स दो हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेगा, लाइक दिस, ईच कार्बन इज लेफ्ट विद टू मोर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अभी भी टू इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ठीक है, क्योंकि फोर प्लस टू सिक्स हो चुके हैं, ठीक है, सिक्स इसके पास हो चुके हैं, तो ये दो इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर कर लेंगे लाइक दिस, ठीक है, इसका डुप्लेट कंप्लीट, इसका डुप्लेट कंप्लीट, डुप्लेट कंप्लीट, डुप्लेट कंप्लीट, ठीक है, और इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट, सिमिलरली इस कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट, ठीक है। तो कूपर स्ट्रक्चर कैसा बनेगा बेटा, कार्बन कार्बन के बीच में होगा डबल बॉन्ड, ठीक है, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, दिस इज द कूपर स्ट्रक्चर ऑफ C2H4, इट इज नोन एज इथीन गैस और इथाइलीन गैस। ट्वेल्थ, फॉर्मेशन ऑफ C2H6 नोन एज इथेन गैस, इट इज इथेन, ठीक है, इसमें भी टू सेंट्रल एटम कौन होंगे, कार्बन एटम्स, तीन हाइड्रोजन लेफ्ट कार्बन को दोगे, ठीक है, और तीन हाइड्रोजन दोगे आप राइट हैंडेड कार्बन को, ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल्स ऑफ वेरियस एटम्स, ठीक है, और ये कंप्लीट क्या है, स्केलेटन स्ट्रक्चर ऑफ C2H6, ठीक है, हमने हाइड्रोजन को हमेशा टर्मिनल एटम मानना है, ठीक है। अब आप क्या करोगे बेटा, इनके ऑक्टेट और डुप्लेट कैसे कम्प्लीट करोगे, कार्बन को अपना ऑक्टेट कम्प्लीट करने के लिए फोर इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कार्बन एक इलेक्ट्रॉन इसका शेयर करेगा, एक इसके साथ और एक इस कार्बन के साथ, ठीक है, सिमिलरली ये वाला कार्बन एक इसके साथ करेगा, एक इसके साथ और एक इसके साथ, ठीक है, इन दिस वे नीड्स ऑफ ऑल द एटम्स विल बी फुलफिल्ड। क्लियर, डुप्लेट कंप्लीट, डुप्लेट कंप्लीट, डुप्लेट कंप्लीट, डुप्लेट कंप्लीट, डुप्लेट कंप्लीट, डुप्लेट कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट, कूपर स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस, दिस इज कूपर स्ट्रक्चर ऑफ C2H6।